तो निधि पर, जो निधि की तरफ से जो कुछ कहा गया, जो बयान दिया गया है, उसे परिवार सिरे से खारिज कर रहा है। आपने माँ को सुना, अंजलि की माँ जो कह रही है कि वो तो निधि को जानती भी नहीं, उन्होंने कभी उसे देखा भी नहीं, नहीं जानती हैं वो उसके बारे में, और जो भी आरोप लगा रही हैं वो झूठे हैं। इधर निधि के बयान पर अंजलि के परिवार ने सवाल भी खड़े किए हैं, और अंजलि की नानी ने कहा है कि हमें निधि के बयान पर भरोसा नहीं है, निधि गलत बोल रही है। तो निधि के बयान पर अब परिवार की प्रतिक्रिया जो सामने आ रही है वो भी एबीपी न्यूज पर आप सुन रहे हैं। उनकी नानी की तरफ से कहा गया है कि उन्हें भरोसा नहीं है निधि के बयान पर। निधि जो है बोल रही है, आप लोग उसके ऊपर विश्वास करते हो? मैं ऐसा विश्वास नहीं करते किसी बच्चे। वो साथ में तो गई थी ना निधि उनके? हमारे घर से साथ में हमारी लड़की गई है खेलने। हाँ हाँ, क्या पता वो कहाँ जानती थी आंटी की उसकी? निधि को जानते थे आप लोग? तो आपको लगता है गलत बोल रही है? गलत बोल रही है तो सारा साल। और पुलिस ने जो अभी तक बताया उससे आप लोग कितना बोल रहे थे अभी तक? अगर वो भी है तो छुपा रखे। तो निधि की भूमिका इस पूरे केस में, निधि का बयान, अब सब कुछ एक सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। और इसी बीच देखिए, कंझावला केस पर बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि एफएसएल की टीम सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन पहुंची हुई है। एफएसएल की टीम ने एक बार फिर से जांच शुरू कर दी है और उस कार की भी जांच की है जिसके नीचे अंजलि को कई किलोमीटर तक घसीटा गया और बाद में उसकी जान चली गई। तो एफएसएल की टीम एक बार फिर जांच के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची, वहां पर उस कार की जांच। कंझावला मामले में वो गाड़ी का क्या हुआ और कहां है वो गाड़ी, वो हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं और वहां पर ये जो बलेनो गाड़ी का रिक्रिएशन पुलिस करते हुए आपको नजर आएगी। आखिर एक लड़की यानी कि अंजलि उसके अंदर कैसे फंस गई, कैसे इतने लंबे रास्ते तक वो घिसड़ती हुई चली गई, और जैसे कि आरोपियों ने कहा है कि उन्हें पता नहीं चला, वो शराब के नशे में थे, म्यूजिक बहुत ज़्यादा लाउड था, तो क्या ऐसा संभव है, ये जानने की कोशिश अपनी पुलिस इस रिसर्च के जरिए कर रही है। और आपको तमाम पुलिस के ऑफिशियल्स नजर आएंगे कोट पहने हुए, कुछ और जो एफएसएल की टीम जो है वो संभवतः वहां पर आपको नजर आएगी, और तमाम लोग इस बात को आधारित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस बात को पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो आरोपियों ने कहा है क्या वैसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव भी है कि उसके नीचे कोई लड़की फंस जाए या कोई व्यक्ति फंस जाए और ड्राइवर को या उसमें बैठे पैसेंजर्स को पता ना चले, जैसा कि आरोपियों ने कहा है। करीबन 15 किलोमीटर तक वो लड़की यानी कि अंजलि घिसड़ती रही और उसकी मृत्यु हो गई, उसके चीथड़े कपड़ों के फट गए, चीथड़े कपड़ों के फटने के बाद उसके शरीर के चीथड़े फटते रहे, लेकिन वो गाड़ी रुकी नहीं, यू टर्न लेकर वो लड़के लगातार उस गाड़ी को चलाते रहे। आखिर कैसे पता नहीं चला, उस बात का जो पूरा अंदाज़ा है वो भी पुलिस लगाने की कोशिश कर रही है। इस बलेनो गाड़ी का जहाँ चर्चा हो रही है, इसमें वो लोग सवार थे, अपने दोस्त की गाड़ी लेकर आए थे कुछ वक्त मांगने के लिए, और देखिए पुलिस आपको नजर आएगी एक जगह पर जो रिसर्च करी है पुलिस ने, गाड़ी के अंदर जाकर भी देखा है, सीट के पास जो बड़े हुए टायर्स हैं यानी कि पिछली सीट और आगे वाली सीट, दोनों सीट्स के पास में पुलिस की टीम गई और नीचे की तरफ उन्होंने देखा है कि आखिर फंसने जैसी कोई चीज़ है क्या, क्या वहाँ पर कोई इंसान का फंसना संभव है जिसे इतना लंबा रास्ता तय करा, इतनी दूर तक, इतने किलोमीटर्स तक घिसड़ती रही, तो क्या ऐसा लॉजिकली पॉसिबल है, ये देखने की कोशिश इस शोध में, इस रिसर्च में चल रही है, जहाँ पर आपको पुलिस के साथ कई सारे और लोग नज़र आएंगे। ये तमाम टीम्स फिलहाल इस मौके पर मौजूद हैं और इस बलेनो गाड़ी का फिलहाल इंस्पेक्शन किया जा रहा है। दिल्ली का नंबर है, आप देखेंगे ये वही बलेनो गाड़ी जिसने पूरा हादसा हुआ, कंझावला केस फिलहाल दिल्ली में सब देखिए, नीचे पुलिस वाला जो शख्स है वो पहुंचे हैं और टायर के नीचे वो जाकर देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर फिलहाल ब्लड सैंपल्स भी मिल सकते हैं। एफएसएल की टीम भी यहाँ पर सैंपल लेने की कोशिश कर रही है, हर एक सैंपल, हर एक नमूना बेहद जरूरी हो सकता है इस केस को सॉल्व करने के लिए, क्या आरोपी सच बोल रहे हैं ये जानने के लिए बेहद जरूरी हो सकता है, क्या वहाँ पर खून के कुछ धब्बे अब भी मौजूद हैं वो यहाँ से मिल सकते हैं। और ACP आपको
इस समय नजर आएंगे और कई सारे और पुलिस वाले एफएसएल की टीम आपको इस वक्त नजर आ रही है वो समझाने की। देखिए कुछ बातचीत हो रही है एफएसएल के व्यक्ति और पुलिस के बीच में। एफएसएल के व्यक्ति उनको समझा रहे हैं कि शायद कहां पर नमूना मिल सकता है, कहां पर सैंपल मिल सकता है। और नीचे कपड़ा बिछाकर आपको पुलिस वाला जो शख्स है वो गाड़ी के अंदर यानी कि उस हिस्से में पहुंचे हैं जहां पर अंजलि संभवतः फंस गई थी आरोपी के अनुसार और उनको पता नहीं चल पाया। और पुलिस लगातार अब वहां पर खोज रही है कि क्या कोई सैंपल वहां पर मिल सकता है जो इस पूरे केस को सॉल्व करने में मदद करेगा। पुलिस और एफएसएल की टीम की ये पूरी शोध बहुत जरूरी है और बेहद बारीकी से बेहद 100% अटेंशन के साथ में जो पूरा ये एक शोध है, एक पूरा रिसर्च है, उसे किया जा रहा है, उसे आयोजित किया गया है। और पुलिस देखिए आपको समझाती हुई नजर आ रही है तो कभी एफएसएल की टीम हमें नजर आ रही है इस वक्त तस्वीरों में। टायर्स को वो लगातार टायर्स में कुछ वो खोज रहे हैं, शायद सैंपल खोजने की कोशिश है, शायद ये कोशिश है कि कोई ना कोई सबूत यहाँ से मिल पाए जो इस केस को सॉल्व करने में मदद करे। कंझावला का ये केस दिल्ली में सबको इसने सबकी नींद उड़ा दी है इस केस ने कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।